हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन टीजर। चैप्टर नंबर 8 का ब्रेन टीजर चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि ट्रायंगल के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, और जो नीचे दो होते हैं उसको बोलते हैं बेस एंगल। तो ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गिवन है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर पहले एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया है ABC। अब इस ट्रायंगल को आइसोस्केलेस बनाना है, तो हम इस दो साइड को इक्वल कर देते हैं। देखो, ये दो साइड को मैंने इक्वल कर लिया है। यहाँ बोला था बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज द वर्टेक्स एंगल, तो हमें पता है ये जो एंगल ए आपको ऊपर दिख रहा है वो हमारा क्या है, वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, इसको वर्टेक्स एंगल बोलेंगे। नीचे जो हमारा है वो है बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल, वर्टिकल एंगल। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोला इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। जो बेस एंगल है वो क्या है मुझे बताओ। यहाँ पर बोल रहा है कि बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल जो भी है उसका ट्वाइस से कौन, बेस एंगल। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC का आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल ABC का जो बेस एंगल है कौन, बी और सी, ये क्या है, वो वर्टेक्स एंगल से ट्वाइस है। मतलब वर्टेक्स एंगल जो भी होगा ये ट्वाइस होगा, ये दोनों ट्वाइस उसके ट्वाइस ट्वाइस होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बेस एंगल ट्वाइस होगा, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स होगा। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स होगा। अगर सपोज, अगर मैं मान लूँ एंगल ए का वैल्यू सपोज 20 है, तो ये एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होंगे, 40 होंगे। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू मल्टीपल्स, टू टाइम्स उसका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया फिगर ABC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ फाइंड द बोला एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सारे एंगल्स हमें निकालना है। तो हम ये जो वर्टेक्स एंगल है उसको हम मान लेते हैं एक्स। हमें ये पता नहीं है क्या है वर्टेक्स एंगल हमारा, तो हम मान लेते हैं ये जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC, जो ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स एंगल को हम मान लेते हैं एक्स है वो। ठीक है, कितना मानेंगे हम इसको, क्योंकि हमें वो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट हमें ये पता है, कंपैरिजन देखो क्या किया है उसने हम, बट हमें ये पता है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो जो कितना है हमें पता नहीं, बट जो बेस एंगल जितना जो होगा वो वर्टेक्स एंगल का ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर बेस एंगल के बारे में कहा गया है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये क्वेश्चन में यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, बेस एंगल के बारे में कहा गया है, किसको कंपेयर करके, वर्टेक्स एंगल को कंपेयर करके कहा गया है। तो जो चीज़ कंपेयरिंग होते हैं उसको हम एक्स लेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में, आप यहीं भी समझ जाओ, जो कंपेयरिंग पार्ट होता है उसको हम एक्स लेंगे। तो यहाँ पर बेस एंगल के बारे में कहा गया है, देखो बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। इसका मतलब यह होता है कि बेस एंगल मतलब वर्टेक्स एंगल जो है उसका ट्वाइस होगा बेस एंगल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेस एंगल के बारे में कहा गया है किसके रिस्पेक्ट पे, मतलब किसके रिस्पेक्ट पे, ये भी किसके कंपेयर से कहा गया है, किसको कंपेयर करके कहा गया है, किसको एज ए मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉइंट किया गया है, मतलब बेस एंगल के बारे में कहा गया है किसको पॉइंट करके, हम किसको पॉइंट करके कहा गया है ना, वर्टेक्स एंगल को। तो हम यहाँ वर्टेक्स एंगल को एक्स लेंगे। तो यहाँ पर जैसे वर्टेक्स एंगल बच्चों यहाँ पर एक्स हो गया, तो हमारा बेस एंगल क्या हो जाएगा, बेस एंगल जैसे बोला है क्वेश्चन में ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस एंगल हमारा हो गया 2x। अगर ये 2x है तो सी भी 2x होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड कौन सा, AB और AC इक्वल है। अगर AB और AC इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल B एंड एंगल C विल बी इक्वल। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे। देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पर तीनों हमें एंगल, यहाँ पर तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल चुका है, बट ये एक हमारा क्या है, एक हमारा एजम्पशन है, मतलब हम लेट किए हैं कि मान लेते हैं ए एक्स है, तो ये जो वैल्यू जितने यहाँ पर है वो सब हमारा, इसको बोल सकते हो तो इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब हमने ऐसा एक्चुअल तो एक्स कोई वैल्यू तो होता ही नहीं ना, कोई नंबर ही होगा ना, एंगल का वैल्यू, एंगल का मेजरमेंट कोई एक नंबर ही होता है, तो हमें वो नंबर पता नहीं था इसलिए हमने एक्स लिया। तो यहाँ पर जितने सारे यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, ये सब हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बट पहले मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ यहाँ पर बताते चलूंगा कैसे करना है आपको।
तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, जो कि एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, वेयर ए बी बराबर है किसके साथ, ए बी इक्वल टू ए सी, जहाँ पर ए बी इक्वल है किसके साथ, ए बी बराबर है ए सी के साथ। अगर ए बी बराबर हो ए सी के साथ, दैट मीन्स हमारा जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। वाई रीज़न हमें पता है, क्या होगा आंसर यहाँ पर, रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू द, ये हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक अपने जो रीजन लिख दिया क्यों एंगल इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा यहाँ पर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लेट लेंगे, लेट यहाँ पर हम लिख लेते हैं और जो गिवन पार्ट और भी लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ए के बारे में लिखेंगे, हियर ए, एंगल ए इज द वर्टेक्स एंगल, एंगल ए इज द वर्टेक्स एंगल एंड एंगल बी एंड सी, एंगल बी एंड सी आर बेस एंगल, एंगल बी एंड सी आर बेस एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर इतना चीज़ यहाँ पर आप मेंशन करोगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट लेट द वर्टेक्स एंगल, लेट द वर्टेक्स एंगल ए इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया वर्टेक्स, लेट द वर्टेक्स एंगल ए इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट टी डॉट क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, द बेस एंगल, हमें क्वेश्चन में बोला गया है डेट द बेस एंगल, डेट द बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज, ट्वाइस एज लार्ज, बेस एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ट्वाइस एज लार्ज एज वर्टेक्स एंगल, सो हम यहाँ पे सो हियर, सो एंगल बी एंड एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, टू टाइम्स द वर्टेक्स एंगल, सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू टू इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें दोनों का वैल्यू हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया, टू एक्स हो गया। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम क्या करेंगे, हमें तीनों यहाँ पर मिल चुका है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए का वैल्यू देखो, फिगर में देखो ऊपर क्या लिखा है, एंगल ए का वैल्यू कितना है, देखो एक्स और नीचे का 2x और 2x, बी और सी का 2x 2x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए हो गया आपका x प्लस एंगल बी कितना हो गया 2x प्लस यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको हम देखो x x तीनों वेरिएबल सेम है, यहाँ पर लाइक टर्म्स, ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको हम प्लस कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई जो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करो, 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, होगा 3 15, ये हो गया आपका कितना 4 5 8, यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया
एक मिनट, यहाँ पर कितना हो गया, मैं 2x था यहाँ पर, 2x था, 4x, 5x हो गया हमारा, ठीक है, 2 टाइम्स 5x हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मिनट इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15, कितना हो गया, माइनस करने से 3 हो गया 30, तो 5 × 6 30, यहाँ पर 6 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 36 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकला कितना, 36 डिग्री, ओके। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमें x मिल गया, हमारा x तो हमें एज्यूम किया था ना, x एक्चुअली थोड़ी वैल्यू है a का, तो अब हमें पता चला a का वैल्यू कितना है, नाउ यहाँ पे हेंस करके लिख दो, हेंस एंगल ए जो हमारा एक्स था, दैट मीन्स हमें मिल चुका एंगल ए का वैल्यू कितना है ना, 36 डिग्री, और एंगल बी हमारा कितना था, 2x था, इसको एक्स का वैल्यू पुट करो 2 × 36, तो कितना आंसर हो गया, 72 डिग्री, ठीक है। अब हम सी का निकालते हैं, तो एंगल सी कितना हो गया हमारा, एंगल सी हमारा 2x था, तो 2 × 36, ये भी हो गया हमारा 72 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट में देयर फोर करके या फिर कुछ भी करके लास्ट में यहाँ पर लिख दो क्या, कि एंगल ए हमें मिला 36 डिग्री, एंगल बी हमें मिला 72 डिग्री, और एंगल सी भी हमें मिला 72 डिग्री, या देयर फोर नहीं, जो क्वेश्चन है बोला गया है उसी को देख के लिखो, क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल मेजर, इतना हो गया, ए बी सी लिख देना, हो गया आंसर। और तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, ठीक है, चलो।